कि हमारे जो ट्रेडिशनल बयानिया के लोग हैं जिसको प्रेजेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसी भी मुस्लिम स्टेट का है वो जमहूरियत नहीं हो सकता, और वो जमहूरियत पे तनकीद करते हैं या डेमोक्रेसी पे तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इस्लाम का तजवीज़ करदा निज़ाम नहीं है। तो सवाल आपसे ये करना था कि क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर इस्लाम का अपना इसमें क्या हुक्म है जो हम सामने रखें। इस सवाल के जवाब में मैं दो पहलुओं से तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो ये कि हम मुसलमानों के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और दूसरा पहलू खालिस फलसफियाना है। देखिए, दुनिया में हुकूमत क्यों कायम की जाती है, यानी क्या मुसीबत पड़ गई है हुकूमत कायम करने की? कोई वजह नहीं है कि हुकूमतें कायम की जाएँ। इसलिए कायम की जाती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इरादे और इख्तियार के साथ दुनिया में भेजा है, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, गलत भी इस्तेमाल करता है, सही भी इस्तेमाल करता है। इंसान अगर अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करे तो फसाद पैदा हो जाता है। वो अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान माल आबरू के लिए ख़तरा बन जाता है। इसको रोकने के लिए हमेशा से इंसानों ने यह कोशिश किया कि वह एक नज़्म कायम करें। इस नज़्म को कदीम कबाइल में भी कुछ ना कुछ कायम करने की इंसान ने कोशिश की, जागीरदारान तमद्दुन में भी कायम करने की कोशिश की, आज भी मुनज़्ज़म रियासतों की सूरत में कायम होता है। ये इंसान की ज़रूरत है, यानी कोई खुदाई हुक्म नहीं है जो आसमान से आया है, मेरी और आपकी ज़रूरत है। जिस तरीके से बाज़ार में दुकान खोलने के लिए कुरान की आयत की ज़रूरत नहीं है, यानी चूँकि लोगों को सौदा सलफ लेना है तो हम दुकान खोल लेते हैं, लोग आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के अंदर इसका अर्ज मौजूद है कि मैं फसाद से महफूज रहूं, मुझे अमन हासिल रहे। तो इंसानों को अमन फराहम करने के लिए, ताकि वो इस ज़मीन के ऊपर आज़ादी से अपने फ़राइज़ अदा कर सकें, अपने मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा सकें, खुदा की हिदायत की पैरवी कर सकें, दुनियावी मकासद को पूरा कर सकें, इंसान ने हुकूमत को पैदा किया है। ये जो हुकूमत है, अगर आप खालिस फ़लसफ़े की सतह पर देखें तो इसका हुक्मरान किसको होना चाहिए? इसके इल्मी और अकली जवाब सिर्फ दो हो सकते हैं, तीसरा कोई जवाब नहीं हो सकता। एक ये कि इस कायनात का खालिक किसी को मुकर्रर कर दे, वो तो खालिक है ना, हक है उसका। यहाँ बैठे हुए किसी आदमी को हुक्म दे दे और हम पर भी वही आ जाए कि ये तुम्हारा हुक्मरान है, एक शक्ल ये हो सकती है। दूसरी ये कि जिनको ये ज़रूरत लाहिक हुई है कि हमें अमन मिलना चाहिए, वो अपना हुक्मरान मुंतखब कर लें। इसके सिवा इल्म और अकल की रोशनी में कोई सूरत नहीं हो सकती। अगर कोई हो सकती हो तो मैं एक तालिबे इल्म हूं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चुनाचे इसी उसूल को तस्लीम करते हुए अल्लाह ताला ने ये दोनों ही तरीके इख्तियार किए। आपको मालूम है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने ये हक दिया कि वह अपना हुक्मरान खुद मुंतखब करें, उनके यहाँ हुक्मरान मुंतखब किए जाते थे, लेकिन वो बेचारे बिल्कुल दरवेश किस्म के लोग होते थे, उनको पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो कोई बादशाह होना चाहिए। आप पढ़ें बाइबल, उसमें यह मुकालमा नकल हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, यानी बादशाह होगा तो तुम्हारी गर्दनों पर अपना जुआ रखेगा, तुम्हारी लड़कियों को अपने यहाँ रक्स पर आमादा करेगा, दरबार सजाएगा, तुम्हें महकूम बनाएगा। ये सब कुछ मौजूदा बाइबल में मौजूद है, लिहाजा ये मुतालबा न करो। वो बाज़ नहीं आए तो चूँकि उस वक्त नबूवत का सिलसिला जारी था तो अल्लाह ताला ने तालूत को अपनी तरफ से हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका वो है कि जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए तजवीज़ फरमाया। आप देखें कि सूरह शूरा कुरान मजीद की सूरह है, जिसमें वो मौका आ गया है कि अब साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को हुकूमत हासिल होने वाली है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ मुसलमानों के औसाफ गिनवाते हुए ये कहा है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमान अपना इज्तमाही नज़म, अपनी हुकूमत, अपने इज्तमाही मामलात लोगों की राय की बुनियाद पर कायम करेंगे। तो ये बता दिया गया कि अल्लाह के नज़दीक न बंदूक को कोई हक है कि वो लोगों पर हुकूमत करे, ना किसी तबके को कोई हक है कि वो लोगों पर हुकूमत करे, ना अफलातून की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लसफ़ियों को हक है कि वो लोगों पर हुकूमत करें, ना हमारे उलमा के बकौल उलमा को ये हक है कि वो लोगों पर हुकूमत करें। ये लोगों का काम है कि वो अपनी राय से अपने लिए हुक्मरान मुंतखब कर लें। इसी को उसूल में जमहूरियत कहते हैं। तो अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये अल्लाह का हुक्म है, और फ़लसफ़े और इल्म की सतह पर भी इसके सिवा कोई सूरत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने इसको अपनी किताब कुरान मजीद में बयान कर दिया है। मैंने अपनी किताब बुरहान में
خلفائے راشدین نے اس قانون، اس ضابطے اور اس حکم کو کیسے لاگو کیا، اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے. لوگ اس کے معاملے میں واقعات اور حالات کو بالکل غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. آپ پڑھیے وہاں پہ، آپ کو اندازہ ہوگا خالص جمہوری اصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا ہے. خالص جمہوری طریقے سے حکمرانوں کی حیثیت سے خلفائے راشدین نے اقتدار منتقل کیا ہے. تو اس وجہ سے اسلام میں سوائے جمہوریت کے اب قیامت تک کوئی راستہ باقی نہیں رہا، کیونکہ پہلے راستے کے لیے وہی ضروری تھی، اس کا سلسلہ بند ہو چکا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ خلفائے راشدین کے بعد ہمارے ہاں بادشاہت کا سلسلہ چلا، بنو امیہ اور بنو عباس، اور اس کے بعد پھر ترکوں کے ہاں، حتیٰ کہ 1924 میں جا کے یہ معاملہ ختم ہوا. تو جمہوریت اگر شروع میں رہی، ڈیموکریسی اگر شروع میں رہی، تو پھر ایک بہت لمبے عرصے تک بادشاہت ہی ہمارا نظام رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیا اس ابتدائی جو حکم سے واقف نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے نبیوں کی تعلیمات کو ہمیشہ ماننے سے انکار کیا. یعنی پوری تاریخ یہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح کی پوری قوم نے انکار کر دیا. آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ابھی جن پیغمبروں کا ذکر کیا، ان سب نے یہی تعلیمات بیان کی، لوگوں نے نہیں مانی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابتدا میں آپ کے جو جلیل القدر ساتھی ہیں، انہوں نے آپ کی بات مانی، اس کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد جب جوک در جوک لوگ مسلمان ہو گئے، سلطنتیں گر گئیں، آج کے زمانے کے بڑے بڑے ملک اس کا حصہ بن گئے، تو جو جمع غفیر مسلمان ہوا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جس طرح آج کے زمانے میں دیکھیے، کیا ہمارے پروردگار کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ملاوٹ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، غبن نہیں کرو گے، حکومت کے خزانے نہیں لوٹو گے؟ یہ ہے نا، مسلمان نہیں مانتے. تو ایسے ہی نہیں مانا. اس لیے اس کا اسلام کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے. اسلام کی تعلیم جمہوریت کی تعلیم ہے سیاست کے معاملے میں، اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے ایک سال پہلے خالص جمہوری اصول پر انتقال اقتدار کا فیصلہ فرمایا. میں نے اس کو نقل کر دیا، اس کو پڑھ لیجئے، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. حضور نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حکومت اور اقتدار کے معاملے اکثریت کی بنیاد پر طے ہوں گے، اس کا اور کوئی اصول نہیں.